सो गाइस सबसे पहले हम लोग आके स्टेशन नाश्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगा है। हम लोग सीधा प्रैक्टिस अभी हम लोग ख़त्म करके डायरेक्ट इधर आ रहे, इसलिए सबसे पहले नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और सबको पता चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन भी आ गई है, भीड़ देख रहा है, वही तो बोल रहे हैं। मिलते धीरज थोड़ी देर बाद, ये ट्रेन नहीं थी अपनी, इसके बाद आएगी। अच्छा हो गया अपने साथ। अबे ये क्या दिखा रहे तेरे में गोलो गोलो? अबे वो ब्राइटनेस के लिए साले, क्या मतलब बेच रहे हो? क्वालिटी खराब है। अपना फोन देखा, खुलता ही नहीं है। बनवा लूंगा तो तेरे से ज्यादा अच्छा, देखने से बनवा लूंगा तेरे से ज्यादा अच्छा। अपन एसी में जाने वाले हैं, तो अपना बोगी आ गए, तो अभी अपन वहीं जा रहे हैं। ट्रेन अभी आई नहीं, आएगी फिर चढ़ेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग कौन से एसी में जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास तो गाइस ये चल रहा अपना खाना एसी में, फर्स्ट क्लास। नौ तो मैं देख ही रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं कल। गोइंग ऑन पार्टी वाला है। सही से बाहर कर रहा है, तीन लोग सीरियस सीरियस, चौथा भी एक शॉट लेगा। हां भाई आ रहा है, एक तो मैं सिगरेट नहीं पीता, सब बनाएंगे ना भाई। चलो अब अपन अपनी बारी है, वो वहाँ वाला बैग खसा के अपन नहीं हो पाएगा साले, ये तो अपना बैग से करके लटका दिए, दूसरों का बैग लटकाएगा, मारे धीरे धीरे। तो गाइस अभी हम लोग को एक सीट मिला है जिसमें दोनों एडजस्ट हुए हुए, मगर देखते कहीं और यहाँ तो नहीं सो पाएंगे। सो गाइस ले दे के हम लोग यहाँ पे जगह बना लिए हैं और यहाँ पे सो के जा रहे। तो अभी नागपुर स्टेशन आया, अभी सीधा फिर हम लोग सीधा सुबह मिलते हैं, अभी जा रहे सोने। तो भाई तभी अपन है इटारसी में, और रात भर सोए सोए हालत ख़राब हो गया पूरा। जो है कि सीट पर सोया था, एक अंदर अंदर मेरा शोल्डर छूट रहा है। तो अभी फिलहाल देखते हैं अपन आगे क्या करना है, कुछ प्लान नहीं होगा। अभी तक हम लोग आधा रास्ता तो पार कर दिए बिना टिकट के। मार्क्स हम टिकट नहीं है, हम लोग बिना प्लानिंग के बिना पैसे के जा रहे, बस जेब में 100 रुपये रखा हूँ अभी तक तो फिलहाल। और आगे कुछ डिसाइड भी नहीं किया क्या क्या करना है, तो फिलहाल अपन वहाँ जाके देखेंगे। और जितना हो सके कम से कम पैसे में ही ट्रैवल करना है। तो गाइस अपन पहुँच गए उज्जैन, और बिना टिकट के वो भी हाँ तो एसी में मैं बिना टिकट को जीरो बजट में आना, वो हम लोग का रूल फॉलो करें। मैं बिना टिकट के नहीं आया भाई। अरे बिना टिकट एसी में प्लान अच्छा नहीं लगा, मैं गया सीट पूरा मैं खोला, पता भी नहीं था साले। जल्दी जल्दी ऐसे ना वहाँ रामघाट जाएंगे, नहाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। सो गाइस अभी अपन डिसाइड किए हैं कि सबसे पहले अपन रामघाट जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकल रहे अभी अपन, और सबसे पहले रामघाट जाएंगे, फिर वहाँ नहा के, और फिर उसके बाद डायरेक्ट महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, वहाँ से दर्शन करेंगे, और उसके बाद आगे का देखते हैं। तो सो चलो चलते आगे तो लेंगे। सो गाइस यहाँ का एक बात अच्छा है, रास्ते में पानी का मटका रखा है पीने के लिए, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे टेंपल है, तो अपन पैदल जाने का डिसाइड किया, ऑटो नहीं ले रहे हैं। अब इस चौक के बाद से वो पूरी नगरी स्टार्ट होती है। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट, और आपको यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदना क्योंकि यहाँ सब महंगा मिलेगा आपको, आगे और मिलेंगे और वहाँ पे सारे सामान मिल जाएंगे। तो अब ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे अब महाकालेश्वर टेम्पल है, मगर अपन अभी जा रहे हैं रामघाट। ये रास्ता है रामघाट का, और सामने ये रामघाट, हम लोग वहाँ जाएंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। अभी तक हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, और अभी तक कोई सामान नहीं खरीदे। ये पूरा रामघाट एरिया है, आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सारे सामान सारे चीज़ आगे मिल जाएंगे। हम लोग ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, इसलिए प्रसाद सा सब महंगा मिला। वैसे प्रसाद अभी यहाँ से हम लोग खरीदे नहीं है, आगे खरीदेंगे। सो किसी भी चीज़ में जल्दी मत करना। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ ग्रुप में आना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा फ़ायदा है। हम लोग ग्रुप में है करके जितना भी पैसा लग रहा है हम लोग आपस में डिवाइड करके, 3 जन है तो कम, हम लोग को ज़्यादा कम पैसा लग रहा है, तो इसलिए मैं यही रिफ़र करूँगा कि ग्रुप में है, सिंगल में ज़्यादा लगेगा। रामघाट में जा रहे नहाने, फिर उसके बाद अपन दर्शन करने जाएंगे महाकाल जो कि मंदिर है, टेम्पल है, और यहाँ पे इतने बहुत सारे तो आजा भाई जल्दी आएंगे। और ये जो रोड लगा हुआ है इसके उधर नहीं जाना है, तो चलो चलते। अभी अपना नहाना हो गया है और अभी अपन कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। तो गए अपन निकल चुके हैं दर्शन के लिए और रेडी हो गए। और पता नहीं कितना अबे कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर। सो अपने को तो रास्ता भी नहीं पता है जाना है। अबे हाँ तो गली मोहल्ला है ना, क्या पता जाते हैं तो बढ़ जाता है। मैप ऑन कर, मैप ऑन कर। तो गाइस आपको एक बात बता दूं, तो ये जो माथे पे चंदन लगा रहे हैं ये मर्जी का रहता है। मतलब आपको अगर ये आपको लगा रहे तो आपको इच्छा के ऊपर रहता है, आप पैसा दो या फिर मत दो, दोनों चलेगा। मगर हम लोग के साथ कुछ ऐसा हो गया था, इन लोग हम लोग को पकड़ लिए थे और पैसा ज़बरदस्ती ले रहे थे। मगर फिर भी हम लोग इतने सियाने तो हैं अपन, दिए नहीं पैसा उनको। और ये वैसे भी कुछ लोग ही ऐसा करते हैं, बाकी सब अच्छे होते हैं, वो लोग खुद ही बोल देते हैं, इच्छा के ऊपर रहता है। तो आपको अगर ये लगवा रहे आपको मान है पैसा देने का तो दो, वरना आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओह पैर गर्म, पैर जल रहा है। अबे जल्दी हट, जल्दी हट। ऐसा है आंटी, पता ही नहीं था। रुको रुको रुको, वापस चप्पल। मेरे को लगा मंदिर ये चालू हो रहा है। पैर चल गया पूरा। अबे वो कहाँ है, अंदर चल गया होगा। तो गाइस तो ये रामगढ़ से महाकालेश्वर के मंदिर के रास्ते में ये एक मंदिर पड़ता है। अपने को वैसे मेरे को नाम उतने अच्छे से पता नहीं है। यहाँ पे जोत जलती है, ये जो सामने है इसमें ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी जोत जलती है। तो अपन फ़िलहाल यहाँ से पहले स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, इसको दर्शन करके उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो आप आगे देखो। और चप्पल यहाँ अंदर भी रख सकते हैं, हम लोग को पता नहीं था, एक घंटी बताई। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए। चलो अंदर आते हैं। यहाँ बहुत सारे मतलब आपको आओगे तो पहले बहुत चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सही से कुछ भी पता नहीं जाता। पैर जल गया बे, मगर वहाँ पैसा ले गया अंकल, 182 बोलना क्या हुआ, पैसा ले गया वो भी आपकी इच्छा से। तो भाई सुबह सुबह आने का फ़ायदा है, यहाँ लाइन अभी बिल्कुल नहीं है, भीड़ बहुत कम है। सो दर्शन हो गया हम लोग का, हम लोग बाहर आ गए हैं। और अंदर ले जाना फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले ली जैसे तैसे करके। और अभी अपन जा रहे हैं महाकालेश्वर टेम्पल के तरफ, तो चलो देखते आगे। अंकल 181 बोलो ना, 181 वो कौन सा मंदिर होता है, विक्रमादित्य। ये बॉस बिल्कुल दुकान तेरा भूल गया मगर। सो गाइस ये है विक्रमादित्य का मंदिर और इसके बगल में वहाँ पे है महाकालेश्वर टेम्पल, वहाँ भी जाना अपने को। सो पहले अपन इस अंदर से देख लेते हैं ये कैसा है, उसके बाद वहाँ जाएंगे। ये टेम्पल टाइप का तो नहीं लग रहा मेरे को, बस यहाँ मूर्तियाँ हैं उनकी, तो अंदर से देखते हैं। ये अंदर से सामने भगवान का मंदिर है और इसके पीछे मूर्तियाँ हैं कालिदास की और बाकी लोगों की। बेताल सो गाइस यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है महाकालेश्वर का। तो आप जूता अंदर आके रखें, बाहर कोई भी दुकान में ना रखें, क्योंकि उन लोग फिर आप उस दुकान में रखोगे फिर वहाँ से प्रसाद लेने को भी बोलेंगे। इसलिए अंदर आके रखो, यहाँ फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और सुबह सुबह टाइम आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। हम लोग अभी 12-1 बजे के करीब अंदर जा रहे हैं। सो भीड़ काफ़ी है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती है। सो अभी अब पता नहीं अंदर कितना टाइम लग जाएगा हम लोग को। ये लाइन है पूरी, हम लोग बस चले जा रहे और अभी भी अंदर नहीं पहुँचो। अब भी जाके यहाँ मेन ये मंदिर के अंदर है और यहाँ से लाइन है और देखते आगे। अब जर्नी स्टार्ट होने वाला है दर्शन के लिए। यहाँ से बहुत लंबा ट्रैवल करना अपने को, मतलब बहुत टाइम भी लगने वाला है। ये स्क्रीन है, अभी सब खड़े हुए बारी बारी, कम से कम एक बार में 100 से 150 लोग को अंदर जाने देते हैं, उसके बाद फिर रोक देते हैं, फिर ऐसे करके। तो अभी मैं अलग हो गया हूँ अपने दोस्तों से भी और इधर अकेले खड़ा हूँ। लोग निकल गए आगे वाली लाइन में और मेरे को पता नहीं कब निकलूँगा। अभी भी खड़ा हूँ और यहाँ फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, जैसे फ़ोन देखते हो। तो गाइस आफ्टर 3 आवर्स अपन यहाँ तक पहुँच गए। मैं बीच का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, फ़ोन नहीं निकाल सकता इसलिए। और यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अब रिटर्न। अभी अपन बाहर आके पूरा 3 घंटे खड़े हुए, कमर दर्द हो रहा है, 4 हुई है। तो अभी हम लोग का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, तो अपन अभी जा रहे हैं। सबसे पहले तो खाना खाएंगे, मैं तो चला भी नहीं आ रहा था। तो गाइस अभी अपन खा रहे समोसा। अभी भी वही याद आ रहा है, लाइफ खत्म नहीं हो रहा है। बहुत चक्कर मार खड़ा हो जाती है, एक जगह खड़ा हो रहा भाई। मेरा टीम को एकदम गेट तक पहुंचे ना, तब हमारे मुंह पे बन गया, तब मन करा उसको मार दूं कपड़ा फाड़। तुम लोगों को देखा ना जब वहां से आया तो मैं बोला हां कब हम मिले तो इतने देर से अकेला खड़ा था भाई, हालत खराब हो गया। हम लोग देख रहे हैं आ नहीं रहा। देख रहे हो आती बैठने का तो मन हो, अगर पैसे का है एक तो वो फटे लट को लगा है। तो वैसे अभी अपन इतना थक चुके हैं, पूरा हालत ख़राब हो गया और अपने को स्टे करने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो उसी के लिए अभी लोग पता करने गए और मैं यहाँ बैग के सामान देख रहा हूँ बैग। तो अभी तो फ़िलहाल अपना कुछ डिसाइड नहीं है क्योंकि हमने हीरोबन के तो आ गए थे बिना डिसाइड किए, मगर अभी कुछ मिल नहीं रहा है, पर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अभी रात में एक आरती होती है, हम लोग को वो आरती देखना है, वो देखेंगे। उसके बाद देखते कुछ स्टे करने का। अभी तो फिलहाल कुछ भी डिसाइड नहीं है और पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं करना क्या है। सो देखते हैं और आगे बोलो जो बाकी। तो अभी जाके हम लोग को कुछ मिला है। जहाँ पहले सबसे पहले चार्जिंग लगाया और आपको रूम यहाँ पर यही जाएगा जाइए। तो डोलना माहिर डोलना, चप्पल तो उतार दे भाई बाहर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 जन आराम से। ये आई आई है भाई मेरा पंखे के नीचे तो पंखा कहीं सोच नहीं आना। अबे ऐसे लगाओ ना, अबे ऐसे लंबा लंबा लगाना, ये इसको बंद करो। अबे वैसे ऐसे में अपन सो लेंगे बे आराम से। चलो सबसे पहले तो करना पड़ेगा हमारा हुआ रे। सबसे पहले तो गाइस चार्जिंग में लगाएंगे, नहीं ऑन है 3 चार्जिंग दिया भाई। तुमने उसको उठा लो, इसको दे लगा दो। अबे ऐसा होता, अबे चप्पल बाहर कर, चप्पल बाहर करना भी बहुत कम कर, फेंक दो थोड़ा सा बाहर फेंक। रुक जा एक मिनट, इसको खड़ा कर, हो गया ना बस सब आ जाएगा। यार ये और एक बात पंखे के नीचे दे यार। अबे आ जाएगा ना सब, दे मेरे बैग रात में, एक दिन ऊपर चढ़ जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी साला मेरे को लगा कि वो हॉल में नहीं गई, तो प्राइवेट रूम में भाई ये नहीं करता जैसा भी है। तो गाइस हम लोग इतना थक गए थे कि अब भी जाके उठ रहे हैं और अभी बज रहा 7:30। अपन को जो आरती देखना था वो भी छूट गई और अभी फ़िलहाल अपन जा रहे हैं घूमने थोड़ा। और अपन घूमते घूमते फिर राम घाट आ गए और यहाँ का नाइट व्यू काफ़ी अच्छा है, दिन से काफ़ी अच्छा है। और फिलहाल अभी थोड़ा देर हम लोग यहाँ बैठेंगे, उसके बाद भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, तो खाने को कुछ देखेंगे। और ये देखो हम लोग, उस समय दिन का था, ये नाइट व्यू है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस हम लोग को बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है क्योंकि सुबह से सिर्फ एक समोसा ही खाएं और जैसे कि रील में दिखाता है 40 से 100 रुपये के आसपास में खाना मिल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना मिल तो जाता है मगर बहुत ख़राब, खाने लायक खाना नहीं होता और बिल्कुल अच्छा नहीं होता मतलब। और वैसे हम लोग को मिला भी नहीं, 40 से 100 रुपये के बीच में कोई ढंग का खाना मिला भी नहीं। जो भी था 120 100 150 वो सब पार था। तो अभी फ़िलहाल अपन जा रहे हैं, देखते कुछ खोजते खाने का। और गैस नाइट में तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, तो दिन में ऐसे भी बहुत कम लोग घूमते हैं, सो रात में ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गैस अब अपन वहाँ एरिया से थोड़ा अलग जा रहे हैं बाहर, और जिसको नॉनवेज खाना है यहाँ नॉनवेज काफ़ी सस्ता है, तो वो उनके बजट में आ जाएगा। काफ़ी सस्ता है और अच्छी खासी चीज़ मिल सकती है, तो नॉनवेज उनके लिए सही है। और फिलहाल तो अभी जा रहा हूँ होटल चांद, तो वहाँ देखूँगा कुछ खाने को मिला तो अभी खाता हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं आगे। सो अभी अपन जा रहे हैं वापस रूम, और हालत बहुत ख़राब हो गई, चला भी नहीं जा रहा, मन भी नहीं करना चलने का, मगर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, चल के चल जाएंगे। खाने का बहुत ज़्यादा ही थक गए, तो अब हम लोग होटल जाके सीधा सोएंगे, तो चलते हैं। सो गाइस तो वो अपन जा रहे हैं सोने, तो बाकी का नेक्स्ट पार्ट में काल भैरव वाला। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और कीप सपोर्टिंग मी।